20 20 20 और बढ़िया अंदाज से यहाँ पे देखते हैं अब क्या प्लानिंग होगी। बासित को लाया गया, अच्छा पेस है इनका। अच्छा पेस है यहाँ पे आमिर, जो के एक अच्छी पारी खेल के चलते बने। कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके थे आमिर यहाँ पे बढ़िया अंदाज से, और देखना ये होगा कि ये मैच कितने अच्छे अंदाज से सियालकोट स्टैलियंस जीतता है या फिर मज़र के ऊपर उम्मीदा वाबस्ता है। साथ में खड़े हैं एक और प्लेयर सनी खड़े हैं, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। देखना ये होगा कि किस आमिर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे वो, कैसे आउट हुए, कन्फ्यूज़ हो गए थे, क्या था उनके माइंड में जब वो रन आउट हुए। जी आमिर बोलें। यार बहुत जीतने पर पूरा फोकस था, इसलिए थोड़ा प्रेशर है। आप सेट बैट्समैन थे, ठीक है, आपको क्रीज पे होना चाहिए था, आपने बॉलर को प्रेशराइज करते करते अपने विकेट गवा चुके हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब थोड़ा क्या कहेंगे। और यहाँ पे पेस बहुत अच्छा है बासित का, भरपूर लाभ उठा रहे हैं पेस का, गेंद को नजर नहीं आ रहा मजर को, कुछ जल्दी कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे मैच बचाने के लिए। बढ़िया अंदाज से टीम को सपोर्ट करते हुए और यहाँ पे बॉल किया और अच्छा पेस। अब मैच निकल चुका है कराची किंग्स के हाथ से, सियालकोट स्टैलियंस ने कंट्रोल ले लिया यहाँ पे मैच में बढ़िया अंदाज से। दूसरी कामयाबी भी लगता है अपने नाम करेंगे, या अब यहाँ पे रन रेट को सेट करने के लिए कुछ कर सकते हैं मजर, देखते हैं वो कुछ कर पाएंगे या नहीं। और बढ़िया अंदाज से मजर यहाँ पे खेलते हुए उड़ा दिया, बहुत बढ़िया फील्डिंग निशान की जानिब से। दूसरा मैच भी अनकरीब स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे देखना ये है कि ये मैच कितने रन से जीतेगी, कितने रन से कामयाबी हासिल करेगी यहाँ पे। और यहाँ पे दो रन हुए। बढ़िया अंदाज से यहाँ पे खेल चुके हैं, लास्ट बॉल इस मैच की, फजल रहमान बिल्कुल तैयार हैं इस मैच के बाद। बढ़िया अंदाज से उड़ा दिया बॉल को समर कैच के नीचे आते हुए, और ये बहुत अच्छा कैच करते करते ड्रॉप किया यहाँ पे, आसानी से रन आउट।